महाशिवरात्रि का त्योहार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण महाशिवरात्रि को बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास रखते हैं। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। शिवरात्रि दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा का महापर्व है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही इस बार एक दुर्लभ संयोग की वजह से महाशिवरात्रि बेहद खास भी मानी जा रही है। आइए आपको शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और शुभ संयोग के बारे में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। साथ ही इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों से खुश होते हैं। वहीं इस दिन महाशिवरात्रि भी पड़ रही है। ऐसे में जातकों को इस शुभ संयोग से विशेष लाभ मिलेगा। बात मुहूर्त की करें तो महाशिवरात्रि की चतुर्दशी की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगी और तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का पूजन निशिता काल में ही किया जाता है। शिवरात्रि का प्रत्येक पहर परम शुभ होता है। ये पूजा 4 प्रहर में की जाती है। निशिता काल 8 मार्च को रात 12:05 से लेकर 9 मार्च को रात 12:56 तक रहेगा। प्रथम पहर 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:41 पर होगा। तीसरा पहर 9 मार्च को रात 12:41 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। चौथा पहर सुबह 3:34 से लेकर सुबह 6:37 तक रहेगा। इस बार की महाशिवरात्रि पर ग्रह 5 राशियों में होंगे। चंद्र और मंगल एक साथ मकर राशि में होंगे। ये संयोग लक्ष्मी नामक योग बना रहा है, इसलिए इस बार शिवरात्रि पर धन संबंधी बाधाएं दूर की जा सकती हैं। चंद्र और गुरु का प्रबल होना भी शुभ स्थितियां बना रहा है। इस बार की शिवरात्रि पर रोजगार की मुश्किलें भी दूर की जा सकती हैं। अब महाशिवरात्रि की पूजन विधि जान लें। महाशिवरात्रि के दिन निर्जला व्रत रखना या केवल फलाहार व्रत रखना अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठें, स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के नजदीक भोले शंकर के किसी मंदिर में जाएं। भगवान शिव का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भोलेनाथ या शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद चंदन, इत्र, जनेऊ, फल और मिठाइयां चढ़ाएं। भगवान शिव को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। ये पूजा की वो विधि है जिससे भक्तों को भगवान का वरदान ही नहीं मिलता बल्कि हर दर्द, हर तकलीफ से मुक्ति भी मिल जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।